मेरे सपनों। हेलो फ्रेंड्स, आपको मैं स्टाफ की वीडियो बनाना बताता हूँ। स्टाफ वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है, चलिए अब हम सबसे पहले चलते हैं कार मास्टर के एप्लीकेशन के ऊपर। और आपने यदि मेरे चैनल अनिकेत टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अब हम चलते हैं कार मास्टर के एप्लीकेशन के ऊपर। चलिए अब मैं ये कार मास्टर के एप्लीकेशन को ओपन किया मैंने। अब मैं क्रिएट न्यू पे जाऊँगा। अब यहाँ पर एक रेशो लेना होता है हमके 16:9 का, मैंने रेशो ले रखा है, वो मैं नेक्स्ट करूँगा। अब नेक्स्ट किया। अब यहाँ पे इमेज पे जाके मैं ब्लैक कलर का बैकग्राउंड लूँगा, ये मैंने लिया, इसे ओके करना। अब जितना आपको स्टेटस बनाना आप उतनी इसे इमेज को ले जाओगे। चलिए अब हमको करना क्या, अब एक सॉन्ग लेना है, जो भी आपको सॉन्ग लेना है फोल्डर पे गए। यहाँ पे सॉन्ग है मेरे पास बहुत सारे। अब देखिए जो भी आपको सॉन्ग पसंद आए वो आप सॉन्ग ले सकते हो। मैंने ये प्लस किया, ओके। अब ये सॉन्ग हमको सुनना है, जहाँ से लिरिक्स है वहाँ से हमको सॉन्ग को लिखेंगे हम। चलिए मैंने सॉन्ग लिया, अब मैं लिखता हूँ। हम लेयर पे जाएंगे, लेयर पे जाने के बाद टेक्स्ट वाला ऑप्शन है, इस पे जाएंगे। अब आपके यहाँ पे लिखना है, चलिए मैं लिखता हूँ। ओके करूँगा, इसे थोड़ा सा बड़ा करूँगा। अब फॉन्ट पे जाना है। अब आप यहाँ पे कोई सा फॉन्ट ले सकते हो। देखिए मेरे पास बहुत सारे फॉन्ट हैं, कुछ मैंने डाउनलोड करके रखे हैं अभी यार, और आप पास नहीं है तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो। देखिए चलिए मैं ये वाला फॉन्ट लेता हूँ, मैंने ओके किया। अब मैं इसे बड़ा कर दूँगा और थोड़ा सा, ये यहाँ से इतना रखना है। ओके कर दिया हमने यहाँ से। अब फिर मैं लेयर पे जाऊँगा, लेयर पे जाने के बाद मुझे इफेक्ट पे जाना है। ये मैंने इफेक्ट देखी स्कैन रीडर का इफेक्ट, ऐसे लूँगा मैं और इस पर क्लिक कर दूँगा। ओके कर दिया मैंने, देखिए। अब इसे हम यहाँ से स्टार्टिंग से लेंगे, देखिए। इसे हम स्टार्ट से लेंगे, यहाँ से रख देंगे। अब चलिए ओके किया मैंने। अब ये चाबी वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, आप ये लेंगे। अब इसको यहाँ से सड़काएंगे, अब देखिए लास्ट में ले जाएंगे, प्लस लगा देंगे आप। सॉरी मैंने पहले नहीं किया। आप यहाँ ले आएंगे इसे लास्ट में, दोनों हाथों से हम चौड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद यहाँ पे लाऊंगा मैं। अब मैं इसे आगे सड़काऊंगा, देखिए। अब मैं ओके कर दूंगा, देखिए अब मैं चला के बताता हूँ। चलिए अब ये एक्स्ट्रा पार्ट से हम इसको हटा देंगे। यहाँ पे जाऊँगा मैं, तो मैं स्प्लिट इस पर ये फ्रेम टू डायरेक्ट टू प्ले हेड इसे कर दूँगा, तो इसे हम छोटा कर लेंगे। अब हम इस फॉइंट पर क्लिक करना, इन एनिमेशन पे जाना। अब यहाँ पे विप राइट का ऑप्शन है नीचे, विप देखिए। अब हम नीचे आएंगे, ये विप राइट का ऑप्शन, इसे ओके कर देंगे, इसे हम बढ़ा देंगे, ओके किया हमने। चलिए अब हम इसे छोड़ देंगे। अब इस पे गए, अब ये थ्री डॉट्स पे जाना है हमको, ये इसे डुप्लीकेट करना है और इसे हमको आगे लाना है। अब जो आगे का सॉन्ग है उसे लिखना है, इसे हटा दिया। इसे लिख दिया, सेम ऐसे इफेक्ट को भी हम डुप्लीकेट कर लेंगे, इसे भी आगे ले जाएंगे। ये देखिए मैंने, अब ये पूरा सॉन्ग हमको इसी टाइप से लिखना है। चलिए मैं सॉन्ग लिखता हूँ। चलिए अब मैंने ये सॉन्ग लिखा, फिर इसको डुप्लीकेट करूँगा लेयर को, मैं आगे लाऊँगा इसे, इसे हटा दूँगा। ओके किया, सेम इसे भी। अब मैं इसे भी डुप्लीकेट करूँगा, इसे भी आगे ले जाऊँगा यहाँ से।
फिर से दोबारा डुप्लीकेट करना, फिर से आगे सरकाना, फिर इसको बदलना। अब मैं इसको डुप्लीकेट कर लूँगा नीचे। देखिए इसको मैंने डुप्लीकेट कर रखा है। अब आपको स्टार्टिंग में जाना है। स्टार्टिंग में आने के बाद आपको करना क्या है, अब आप इस दोनों उंगलियों छोटा कर लोगे। ये मैंने कर लिया। अब ये चलाते हैं एक बार हम इसे। चलिए अब इसको हम छोटा करते हैं। ये हमने छोटा कर लिया, जितना हमारा सॉन्ग है उसी हिसाब से हम इसे रखेंगे। अब स्टार्टिंग में आने के बाद दोस्तों ये सॉन्ग लिया हमने, लेयर पे जाना। लेयर पे जाने के बाद ये हैंड राइटिंग पे जाना। इस पे हमको ये वाला ऑप्शन लेना है, यहाँ से कलर लेना है कोई सा भी, और ये फुलवारा लेना है। चलिए स्टार्टिंग से हम रेड कलर लेता हूँ मैं। ओके किया, एक बार यहाँ पर रेड कलर लगा दिया दोस्तों। फिर ये लिया मैंने, फिर ये यहाँ पे लगा दिया। फिर दोस्तों ये लिया मैंने, ये यहाँ पे लगा दिया। फिर नेक्स्ट लूँगा मैं। चलिए नेक्स्ट कोई सा लेते हैं, ये लेता हूँ मैं। चलिए दोस्तों अभी एक और कोई सा लेता हूँ मैं। चलिए ये लेता हूँ मैं, ये यहाँ पे लगा दिया, ओके कर दिया। अब दोस्तों ये हम स्टार्टिंग से एंड तक लगाना है इसे। तो अब देखिए नीचे आना है दोस्तों, ये ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पे आप मल्टीपल करना है इसे। ये कर दिया आपने, ओके कर देंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम चलाते हैं इसे। अब दोस्तों इसको छोटा करना है छोटा सा। ये मैंने लगा दी दोस्तों। अब आपको करना क्या है, अब यहाँ से हम इसे एक्सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे गए ऊपर, इसे मैं यहाँ पे हाई क्वालिटी में एक्सपोर्ट करूँगा। ये मैं यहाँ से सेव करूँगा, ये सेव हो जाएगी दोस्तों, ये आपकी गैलरी में जाएगी। चलिए दोस्तों ये सेव हो गई है अब हमारी वीडियो।